खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव आजमगढ़ से और आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव की सीट है आजमगढ़, मौजूदा सांसद वही है यहां से, और अखिलेश यादव यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे और आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, कयास काफी वक्त से लगाए जा रहे थे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे आजमगढ़ से अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2014 में यहां से मुलायम ने चुनाव जीता था और उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे आजम खान। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें एबीपी न्यूज के उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इशारों इशारों में उन्होंने ये कहा था कि आजमगढ़ से वो मैदान में उतर सकते हैं और इसकी अब पुष्टि हो गई है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे आजमगढ़ से अखिलेश यादव। इस बार आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से भारी मतों से जीते थे और रामपुर की अगर हम बात करें तो आजम खान यहां से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ है रामपुर और इस बार आजम खान यहां से मैदान में उतरेंगे। और आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव यहां से मैदान में उतरेंगे। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में उन्होंने इशारों इशारों में कहा भी था और अब इस खबर की पुष्टि हो गई है। और अगर हम रामपुर की बात करें तो आजम खान यहां से चुनाव मैदान में उतरेंगे। सीधा रुख करते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इन दोनों ही सीटों के मायने बताइए, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे और आजम खान रामपुर से। देखिए, पहले से ही हमें इस बात की जानकारी थी और ये बताया भी जा रहा था कि जब कन्नौज से डिंपल यादव की चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया तो उसके बाद ये हो रहा था कि अखिलेश यादव कहाँ से लड़ेंगे। पहले से ही उन्होंने तय कर रखा था कि आजमगढ़ से ही लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुने गए थे और इस बार जो लोकल हालात थे उसको देखते हुए ही अखिलेश यादव ने फैसला किया कि वो उस बेल्ट से, इटावा मैनपुरी कन्नौज के बेल्ट से हट करके आजमगढ़ एक सुरक्षित सीट हो सकती है उनके लिए और इसीलिए उन्होंने आजमगढ़ का चुनाव किया है। दूसरी बात, रामपुर से आजम खान चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि विधानसभा का यानी विधायक बनते रहे हैं वो, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने कहा है कि रामपुर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो रामपुर उनका गढ़ रहा है और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला वो भी रामपुर जिले से ही विधायक आते हैं। तो ये आज फैसला हुआ है कि आजमगढ़ से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और रामपुर से आजम खान। मायावती ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था, उसके बाद इस तरह की चर्चा थी कि शायद अखिलेश न लड़े, लेकिन नहीं, अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जी पंकज, और कयास भी पहले से लगाए जा रहे थे और एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में भी इस तरह के संकेत अखिलेश यादव ने दिए थे। हाँ जी, उन्होंने साफ साफ जब एबीपी न्यूज का प्रोग्राम हुआ था तब उनसे जब पूछा गया था कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर वहाँ की जनता चाहती है तो हम वहाँ से ही लड़ेंगे, उन्होंने इशारा कर दिया था और आज इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। जी, तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और रामपुर से चुनाव लड़ेंगे आजम खान। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और पंकज, जैसा मैं बता रहे थे कि आजमगढ़ एक सुरक्षित सीट हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी के साथ गठबंधन में अपने पास रखी आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी ने और अब इस बात का ऐलान हो गया है कि अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और आजम खान रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।